हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। फिलहाल ये जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए, लेकिन ये जो न्यूज़ है बहुत नॉर्मल है। पीएम मोदी ने आज जो लाइव इवेंट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीएम मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे आपको ये इवेंट का वीडियो मिल जाएगा। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीजन में इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला है, तो हो सकता है इस न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए व्यूज पाने के लिए। ये जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में इन्होंने बोला है, इनका जो मेन मोटो था कि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, कोई भी कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, एक डिसेंट्रलाइज है, लेकिन इसके मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करना चाहिए, हम सभी को साथ में आना चाहिए। फिलहाल आप ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देखने के बाद मैं आगे अपडेट बताऊंगा, तो आप ये वीडियो देखिए। और क्लाइमेट चेंज इन्हीं के उदाहरण है। एक और उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी का। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है, उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए फैसले इसकी चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त होंगे। हमें एक समान सोच रखनी होगी। लेकिन आज वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सवाल ये भी है कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस नए वर्ल्ड ऑर्डर और नई चुनौतियों के निपटने के लिए तैयार है क्या, वो सामर्थ्य बचा है क्या। जब ये संस्थाएं बनी थी तो स्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां कुछ और है। इसलिए हर लोकतांत्रिक देश का यह दायित्व है कि इन संस्थाओं में रिफॉर्म्स पर बल दे, ताकि इन्हें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। मुझे विश्वास है दावोस में हो रही चर्चाओं में इस दिशा में भी सकारात्मक संवाद होगा। तो यहाँ पे सीजन में इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है क्रिप्टो करेंसी का और बताया है कोई एक कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन आज के टाइम में जो मॉडर्न एज है, यहाँ पे जो हमारे युवा हैं, ये जो मॉडर्न परिवेश है, उसमें लगातार क्रिप्टो करेंसी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो सभी देशों को एक नई जो चुनौती आई है, एक अच्छे तरीके से रेगुलेट करके इसे क्या सब यूज़ कर पाएंगे, लीगल कर पाएंगे अपने कंट्री में, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में इसे इलीगल करार दिया गया है और बहुत सारी कंट्री में इसे लीगल करार दिया गया है। तो ऐसे में क्या सभी देश मिलकर क्रिप्टो करेंसी पे एक नियम ला पाएंगे, तो ये उनका मेन क्वेश्चन था, कर पाएंगे क्या, आप वीडियो में देखें समझ जाएंगे। लेकिन इंडिया में कोई भी इस तरीके का बैन नहीं लगेगा, क्योंकि इसे रेगुलेट किया जाएगा। हो सकता है ये क्लिप दिखा के डराया जाए, मार्केट को डिप किया जाए, इसीलिए ये जो वीडियो है मैंने सबसे पहले बना दिया है। पहले मैंने यहाँ पे आप देखेंगे ये वीडियो आप जब क्लिक किए होंगे सबसे पहले क्लिक किए होंगे, तो यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इस तरीके की अगर आपको कोई फेक न्यूज़ दिखाए या फिर कोई डराए, तो आप डरिएगा या नहीं, पैनिक सेल मत करिएगा। ये नॉर्मल इन्होंने ये टॉपिक लिया था, क्रिप्टो करेंसी पे कोई बैन नहीं लगेगा, हो सकता है इस तरीके की न्यूज़ चलाई जाए, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया है। तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट किया जाएगा, ये 100% है, तो इस तरीके की फेक न्यूज़ पे ना जाइएगा। अगर आपको ये सीजन देखना है तो ये पूरा आप जब सीजन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक के ऊपर था और क्रिप्टो करेंसी को बीच में क्यों लाया गया। हो सकता है इस छोटे से क्लिप को दिखा के आपको डराया जाए, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो जहां तक मैं बोलूंगा, हर बार इस तरीके का न्यूज आता है, लोग पैनिक सेल करते हैं, अपना लॉस करते हैं, तो इस तरीके का काम मत कीजिएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा सबसे बड़ा टिप है वेल्स की तरफ से, मैं सीक्रेट तरीके से जितने भी मैं सब लोग को जानता हूँ, सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार मिली है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है सोलाना। तो ये जो सोलाना है, इसने शिबा इनू क्वाइन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अगर आप इसमें प्रॉफिट लेना चाहते हैं फरवरी के महीने में, जब वेल्स इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, आपको डबल से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कीजिएगा। सोलाना आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि सोलाना का जो यूज़ केस है वो बड़ा है, और इसका जो वॉलेट है उसमें जितने भी बड़े बड़े आईडी और आईजीओ आए हैं, हमें अच्छा प्रॉफिट दिए हैं। तो सोलाना का यहाँ पे यूज़ केस बढ़ रहा है, प्लस वेल्स भी इसमें एंटर करने वाला है, तो आप जितने भी पैसे हैं इसमें आप डाल सकते हैं। फरवरी के महीने में ये आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। अब बढ़ते हैं, जो लोग आईजी और आईडीओ का वेट कर रहे थे, दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट आने को हैं। पहला है मेटागेयर। मेटागेयर के बारे में बात करूं
तो आज तक आए हुए सभी प्रोजेक्ट से ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और यहाँ पे आप इनके ट्विटर अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पे 138 के फॉलोअर्स हैं। अभी ये टोकन लॉन्च भी नहीं हुआ है और क्वाइन मार्केट कैप पे ये पहले से ही लिस्टेड है। तो ये जो प्रोजेक्ट है कल लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ट्विटर या फिर टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे आपको हर अपडेट मिलेगा। मैं अपने टेलीग्राम पे वहां पे भी अपडेट देता रहता हूँ। तो आपको अगर इनके आईडीओ में पार्टिसिपेट करना है तो बुल पर, क्रिस्टल, स्टार पंक, पूल्स, इन सभी पे इनके आईडीओ आईजीओ आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको बाय करना है जब ये लॉन्च किया जाएगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है, तो यहाँ पे 4 घंटे पहले ट्वीट किया गया है 13 UTC जो है करीब 7 बजे कल 18 तारीख को 7 बजे ये लाइव कर दिया जाएगा। कैसे लाइव होगा, कैसे बाय करना होगा, सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा। जब भी इस टोकन को अगर आप बाय करना चाहेंगे तो बाय जरूर कीजिएगा। ये एक मेटावर्स प्रोजेक्ट है जहां पे आप गेम खेल के पैसे कमा पाएंगे। ये फ्री है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आराम से इस गेम को आप खेल के पैसे कमा पाएंगे। कल लॉन्च है, लॉन्च के बाद इस गेम को लाइव कर दिया जाएगा। आप आराम से यूज करके इस क्रिप्टो करेंसी को अर्न कर पाएंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, हर सोशल मीडिया का आपका लिंक मिल जाएगा, ट्विटर है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, रेडिट है, हर जगह इनका लिंक मिल जाएगा। जाइए, हर अपडेट आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा अपडेट है। अगर आप आईजीओ आईडीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, नहीं तो जब ये टोकन को लाइव किया जाएगा एक्सचेंज पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा, नहीं तो इनके ट्विटर और टेलीग्राम पे एक्टिव रहेंगे, आपको अपडेट मिलता रहेगा। दूसरा कुछ अगर बात करूँ जो सिडीफाई पे लॉन्च होने वाला है वो है एनिमेलिया, और जो एनिमेलिया है वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे आपको सिडीफाई फंड पे आएंगे, हर डिटेल आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। अभी इन्होंने टोकन प्राइस पब्लिक अनाउंस नहीं किया है, जैसे ही होगा तो आपको हर अपडेट यहाँ पे मिलेगा सिडीफाई फंड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेमिंग प्रोजेक्ट है, जितने भी एनिमल्स हैं या फिर जितने भी फेवरेट सुपर हीरोज या करेक्टर्स गेम में रहे हैं, जो एनिमल है जैसे उर्सा हो गया, जो डोटा 2 खेलते हैं वहाँ पे अर्सा है, बहुत लोग अर्सा उर्सा बुलाते हैं, और यहाँ पे जितने भी फेवरेट करेक्टर्स हैं आप इनके गेम्स खेल पाएंगे। गेम प्ले कैसा है अभी ये यहाँ पे लीक नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी करेक्टर्स हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो एक ये गेमिंग मेटावर्स प्रोजेक्ट है, इसमें आप अगर अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं कर सकते हैं। आईजीओ आईडीओ पार्टिसिपेट करना है तो सीडीफाई फंड पे आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो भी प्रोजेक्ट होने वाला है आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको हर एक चीज पता चलेगा टोकनॉमिक्स के बारे में, रोड मैप के बारे में, क्या टोकन है और क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा। देखिए जब भी कोई टोकन आता है तो आप एक बार उनके ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे ट्विटर पे अच्छा फॉलोअर्स है, मतलब लोग यहाँ पे पैसे लेके बैठे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। खासकर मेटा गेयर में आप देखेंगे अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैफिक है, लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं इसका लॉन्च का, और कल के दिन इसका लॉन्चिंग है। तो बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये जो दोनों जो प्रोजेक्ट है आप इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ये जो है ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना है, तो आराम से आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ट्विटर पे मैं अपने टेलीग्राम पे हर अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ पे आप जाएंगे हर चीज़ आपको पता चलेगा कब ये लॉन्च किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाएगा, प्लस ये जब किसी एक्सचेंज या फिर स्वैप पे लॉन्च किया जाएगा, हर डिटेल मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये दोनों जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेटागेयर और एनिमेलिया। तो इन दोनों प्रोजेक्ट का क्या होगा, मैं जो वेबसाइट लिंक है मैं अपने यूआरएल में डाल दूंगा। आइए, इन दोनों प्रोजेक्ट पे आप इंटरेस्ट दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, सपोर्ट करना चाहे कर सकते हैं, चाहे आईजीओ आईडीओ में, चाहे जब ये लॉन्चिंग के बाद। और यहाँ पे जैसा कि मैंने टिप दिया है सोलाना का, तो उसको आप मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे ये जो फरवरी का महीना है, आप यकीन मानिए मैंने क्या आपको टोकन सजेस्ट किया था, सोलाना आपको कितना अच्छा प्रॉफिट देगा। प्लस ये जो न्यूज़ आई है, जो हो सकता है पैनिक किया जाए, तो उसका पहले से ही मैंने अपडेट दे दिया है। मैंने हर चीज़ कवर कर दी है इस वीडियो में ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिल गया है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक आऊँगा दोस्तों नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।